भगवान शिव का प्रसिद्ध त्यौहार कहें या भगवान शिव का सबसे बड़ा दिन कहें, तो दोस्तों आपके मन के अंदर एक ही बात आती है, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि दोस्तों भगवान शिव को पूरा दिन समर्पित दिन है। इस दिन दोस्तों चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा, सारे लोग भगवान भोलेनाथ की भक्ति करके उनको प्रसन्न करने के अंदर लग जाते हैं और वह भोलेनाथ की पूजा पाठ करके भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने की कामना करते हैं, ताकि उनके जीवन के अंदर भी भोलेनाथ का सही और सकारात्मक रिश्ता देखने को मिले। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार महाशिवरात्रि कब है। लोगों के मन में इस बार एक शंका है कि महाशिवरात्रि 18 फरवरी को है और 19 फरवरी को, तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं सही तरीका और सही समय की कौन से तारीख को महाशिवरात्रि है। दोस्तों शास्त्रों में महाशिवरात्रि को बेहद खास महत्व माना गया है। महाशिवरात्रि हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त महादेव की आराधना और श्रद्धा के साथ उनका जलाभिषेक करते हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि महाशिवरात्रि शिव शक्ति के मेल का त्यौहार होता है। इस दिन आध्यात्मिक शक्तियां जागृत होती है और निश्चित काल यानी कि मध्य रात्रि में महाशिवरात्रि की पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। तो दोस्तों आज हम आपको 2023 महाशिवरात्रि की सही तारीख, पूजा का सुमुहूर्त, पूजा विधि और साथ ही भगवान शिव के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर कब इनका मुहूर्त है। दोस्तों सुमुहूर्त 2023 की बात करें तो साल 2023 में महाशिवरात्रि का पर्व 18 फरवरी शनिवार के दिन मनाया जाएगा। चतुर्थी तिथि दोस्तों जो अगर हम बात करें तो शुरू होगी 18 फरवरी रात को 8:02 पर और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 19 फरवरी सायंकाल 4:18 पर। निश्चित काल का पूजा समय होगा 19 फरवरी सुबह 12:09 से 1 बजे तक रहेगा और महाशिवरात्रि व्रत का पालन होगा 19 फरवरी सुबह 6:56 से सायंकाल 3:24 पर, यह व्रत समाप्त होगा। महाशिवरात्रि के व्रत और विधि की अगर बात करें तो कई लोग व्रत करते हैं, उन्हें विधि पता नहीं होती कि आखिर महाशिवरात्रि का व्रत किस विधि के साथ करें। तो शास्त्र के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन सूर्यदेव से स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प ले और घर पर किसी अन्य या फिर आप आपके आसपास शिव मंदिर है तो वहां पर जाकर विधि विधान के साथ भगवान शिव का पूजन करें। सबसे पहले भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग को पंचामृत से स्नान करवाएं और इस दौरान ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहें और जब भगवान शिव को सफेद चंदन से तिलक कर भस्म बेलपत्री धतूरा चंदन पुष्प धूप दीप आदि आपको अर्पित करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, महादेव को चावल से बने खीर का भोग करें और महाशिवरात्रि व्रत की कथा पढ़ें या सुने। आत्म शिव चालीसा शिव स्रोत और शिव आरती का पूजा संपन्न करें। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि के चारों पहर में शिव पूजन किया जाता है। हालांकि आप अपने सुविधा के अनुसार शिव पूजन कर सकते हैं। अगले प्रातः काल स्नान के बाद ब्राह्मणों और जरूरतमंद व्यक्तियों को दान दक्षिणा देकर व्रत का आपको पालन करना चाहिए, ताकि आपको इस व्रत का आपको सही फल मिल सके और भगवान महादेव का भी आशीर्वाद देखने को मिल जाए। दोस्तों महाशिवरात्रि के व्रत के नियमों के बारे में बात करें तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान की शिव की पूजा करते समय आप बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रहे कि बेलपत्र के तीनों पत्ते और एकदम पूरे होने चाहिए और कहीं से कटे फटे ना हो और साथ ही बेलपत्र चढ़ाते समय इसका चिकना भाग शिवलिंग से स्पर्श करना चाहिए और जो खुदरा भाग होता है वह शिवलिंग के ऊपर रहना चाहिए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में कदम और केतकी के फूलों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर आपको पता नहीं तो आप ध्यान रखें कि कदम के फूलों का केतकी के फूलों का भूल कर भी महाशिवरात्रि के दिन उपयोग नहीं करें, अन्यथा आपका इसका फल नहीं मिलता है बल्कि आपके जीवन के अंदर कुछ प्रकार की समस्याएं भी आ सकती है। दोस्तों ध्यान रहे कि भगवान शिव की पूजा करते समय शंख से आपको जल का अभिषेक नहीं करना चाहिए। आप इसी तरह शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर नारियल का पानी भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शिव की पूजा के अंदर यह वृद्धित माना जाता है और आप इसे चढ़ाते हैं तो शिव आपसे प्रसन्न होने के बजाय नाराज भी हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।